ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नवोदय की तैयारी हम किस प्रकार से करें। नवोदय की तैयारी करने के लिए नवोदय के सिलेबस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नवोदय के सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ। आप लोग बगल में देख सकते हैं सिलेबस इसका। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 3 पोर्शन होते हैं नवोदय में, और टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2018-19 से 80 क्वेश्चंस कर दिया गया है 100 क्वेश्चन को। लेकिन मार्क्स 100 ही रहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1.25 मार्क्स का हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी माइनस मार्किंग चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप 3 पोर्शन, सबसे पहला पोर्शन आपको ये मेंटल एबिलिटी सेक्शन का हो गया। मेंटल एबिलिटी सेक्शन के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाफ ऑफ द सिलेबस आपका यही है, पेपर के हाफ सिलेबस जो है ना यही है, मतलब 40 क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी आसान होते हैं। इसमें 10 टॉपिक्स होते हैं। यदि आप लोग उसका वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरा का पूरा वीडियो मैं डाल चुका हूं अपने YT समाज में, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, और वही वीडियोस आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे यदि आपको नवोदय निकालना है तो। दूसरा टॉपिक हो जाता है अरिथमेटिक। पूरे नवोदय के सिलेबस का सबसे लेंदी टॉपिक होता है, सबसे लेंदी। इसमें टोटल ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स होते हैं, नियर अबाउट 20 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के। इन 20 चैप्टर्स से सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना ज़्यादा है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और सिर्फ 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेकिन यही आपका डिसाइडर होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो थोड़ा बहुत भी तैयारी करता है वो बच्चे भी बना लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बना करके आप लोग अपना प्लेस जो है ना वो करना चाहते हैं अगर सुनिश्चित, तो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 20 चैप्टर्स। उसके भी अभी हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। 7th-8th चैप्टर तक आपके वीडियोस अपलोड कर दिए जा चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। कंटिन्यू चैप्टर 8 तक सिलेबस जो भी है नवोदय का, मैथमेटिक्स का, अरिथमेटिक का, वहाँ तक के सारे वीडियोज़ आप लोग को अपलोड किए जा चुके हैं। अब तीसरा पोर्शन होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज देखिए, लोगों को बहुत आसान लगता है, जो हिंदी मीडियम में तैयारी करता है वो हिंदी में आते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं वो इंग्लिश में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ना सिलेबस में दिया है सिर्फ और सिर्फ पैसेज, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज की तैयारी करनी है, ग्रामर वगैरह की तैयारी वैसे कुछ नहीं करनी, पैसेज की तैयारी करनी है। पैसेज बनाने आना चाहिए आपको, पैसेज आप लोग बचपन में भी बनाए होंगे बहुत सारे, पहले मतलब 3-4 से ही स्टार्ट हो जाता है पैसेज बनाने का सिलसिला। एक कहानी स्टोरी टाइप की दी रहती है, उसको पढ़ करके उसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और वहाँ से उस क्वेश्चन को बनाना होता है आपके लिए। तो ये भी क्वेश्चन आसान होता है, अगर जो इंग्लिश अच्छे से समझ रहा है, जो हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से समझ रहा है, उसको अच्छे से पढ़ करके बना रहा है, तो उसके लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो बना ही लेता है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, और इनको ही पढ़ करके आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना होता है। यदि आप लोग भी मन लगा करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल जो YT समाज है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस को आप लोग को मिलते रहे उसके नोटिफिकेशन। तो आगे हम लोग आपके लिए पैसेज के सारे वीडियोज लाने वाले हैं, वीडियो सीरीज़ फ्री में। उसके बाद फिर एग्ज़ाम से पहले हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका नवोदय सिलेक्शन पक्का। सारे वीडियोस देख लीजिए, टेस्ट सीरीज़ दिला लीजिएगा, आपका सिलेक्शन गारंटीड। अगर एक एक क्वेश्चंस बन जाते हैं आपसे उस टेस्ट सीरीज़ के, और हम लोग आपको एक बुक को प्रिफ्रेंस दे रहे हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक जो होता है, उस पब्लिकेशन के बुक्स को अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, उसके बाद फिर उस बुक से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जो डाउट है वो डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके डाउट्स भी डाउट सेशन के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो इतने सारे चीज़ें कर लेने के बाद आपका डेफिनेटली नवोदय में सिलेक्शन होगा। ओके,
तो आई होप कि आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि नवोदय की तैयारी कैसे करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे आप सभी के लिए गाइडलाइंस देते रहेंगे नवोदय के बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।